అంతం చేసి ప్రజల కోసం పని చేసి బీజేపీ ప్రభుత్వం రావాలని ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు ప్రధాని మోదీ. తెలుగు రాష్ట్రాల పర్యటనకు వచ్చిన మోదీ ఏపీ టూర్ ముగించుకొని హైదరాబాద్ బేగంపేట ఎయిర్‌పోర్ట్‌కు చేరుకున్నారు. విమానాశ్రయంలో గవర్నర్ తమిళసై మంత్రి తలసాని బీజేపీ శ్రేణులు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. అనంతరం బేగంపేటలో ఏర్పాటు చేసిన బీజేపీ స్వాగత సభలో ప్రధాని పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తాను ఒక బీజేపీ కార్యకర్తగా పార్టీ శ్రేణులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పడానికి వచ్చానని అన్నారు మోదీ. ఇక మోదీని తిట్టే వాళ్ళ గురించి నేనెప్పుడు పట్టించుకోనని ఆ తిట్లు నాకు మరింత బలాన్ని ఇస్తాయని ప్రధానిని విమర్శించే వారిని ఉద్దేశిస్తూ మాట్లాడారు మోదీ. రాజుకి 2 నుంచి 3 కేజీల తిట్లు తింటానని నాకేం అలసట రాదని అవే తిట్లు తనకు ప్రోటీన్లుగా మారి మరింత ప్రజాసేవ చేస్తానని వ్యాఖ్యానించారు. कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये विकास के लोकतंत्र के सामाजिक न्याय के सबसे बड़े दुश्मन है. आज मैं तेलंगाना में भ्रष्टाचार और परिवार के विरुद्ध जो जनाक्रोश है, जनता जनार्दन में जो गुस्सा है, नौजवानों में जो गुस्सा है, वो आज हिंदुस्तान देख रहा है. साथियों, इस बार लाल किले से मैंने आह्वान किया है कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद ये विकास के लोकतंत्र के सामाजिक न्याय के सबसे बड़े दुश्मन है. आज मैं तेलंगाना में भ्रष्टाचार और परिवार के विरुद्ध जो जनाक्रोश है, जनता जनार्दन में जो गुस्सा है, नौजवानों में जो गुस्सा है, वो आज हिंदुस्तान देख रहा है. साथियों, इस बार लाल किले से मैंने आह्वान किया है और मैं आज तेलंगाना की जनता को आश्वस्त करता हूं. मैं आज तेलंगाना की जनता को आश्वस्त करता हूं, गरीब के ओ लूटने वालों को, गरीब को लूटने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा. आज आपने देखा होगा कुछ लोग कार्यवाही से बचने के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों का गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना की जनता, देश की जनता ये देख भी रही है, समझ भी रही है. साथियों, भ्रष्टाचार और परिवारवाद गरीब का सबसे बड़ा दुश्मन होता है. भ्रष्टाचार और परिवारवाद विकास का सबसे बड़ा दुश्मन होता है. इसलिए भाजपा भ्रष्टाचार और परिवारवाद दोनों से लगातार मोर्चा ले रहा है. भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. अंधविश्वास तय करता है. तेलंगाना का विकास करना है, उसे पिछड़ेपन से निकालना है, तो हमें सबसे पहले
यहां से हर तरह के अंधविश्वास को दूर करना होगा भाइयों। आज मैं देख रहा हूं तेलंगाना में सुशासन और तेज विकास की आकांक्षा कितनी प्रबल है। अब तेलंगाना के लोग एक परिवार के बजाय तेलंगाना के हर परिवार के लिए काम करने वाली सरकार चाहते हैं, भाजपा की सरकार चाहते हैं। तेलंगाना की जनता फैमिली फर्स्ट के बजाय पीपल फर्स्ट की राजनीति चाहती है। मैं बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि आप तेलंगाना के बूथ बूथ में जाएं, केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिनको अभी तक नहीं मिल पाया है उनकी मदद करें। और एक बात जरा मेरे तेलंगाना के कार्यकर्ताओं को मेरी व्यक्तिगत प्रार्थना है, और मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरी बात मानोगे। बताऊं देखिए, कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं, सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए, अब ये गालियों से आप परेशान नहीं होंगे ना? बिल्कुल नहीं होंगे ना? शाबाश, अरे सीना चौड़ा करके चलिए दोस्तों। देखिए, हमें याद रखना है, राजनीति सामान्य मानवी की सेवा करने और उनकी समस्या सुलझाने का माध्यम है। इसलिए राजनीति में हमारा एजेंडा, हमारा मकसद हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, सेवा भाव से भरा होना चाहिए। लेकिन यहां तेलंगाना में जिन लोगों को सत्ता मिली उनका सारा ध्यान मोदी को गाली देने और भाजपा को कोसने में लगा रहता है। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? अब कल मैं दिल्ली में था सुबह, फिर कर्नाटका में, फिर तमिलनाडु में, फिर रात को आंध्र में, और अभी तेलंगाना में। तो लोग मुझे पूछते हैं थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं।